हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे स्टेट एग्जीक्यूटिव। लास्ट सेशन में हमने किया गवर्नर। गवर्नर एक स्टेट का सबसे पावरफुल एग्जीक्यूटिव होता है, जिसके पास सारे पावर्स होती हैं। उसके नाम पर ही स्टेट पर रूल किया जाता है। जैसे यूनियन में प्रेसिडेंट होता है, लाइक दिस स्टेट में क्या होता है, गवर्नर होता है। उसके बाद स्टेट में भी क्या है, सारा रूल चलता है। जैसे प्राइम मिनिस्टर, वैसे क्या बन गया, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अगर सेंटर में होता है अटॉर्नी जनरल, और स्टेट में क्या है, एडवोकेट जनरल। तो इस तरह स्टेट में भी क्या है, सेम सिस्टम चल रहा है गवर्नमेंट रन करने का। इस वजह से क्या है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, हम आंसरेबल गवर्नमेंट की डिमांड करते हैं, वो हमारा कॉन्सेप्ट अचीव होता है अगर हम भी स्टेट में भी वो ही सब कुछ ले आए जो सेंटर में है। हमने ये कोशिश की है कि डेमोक्रेसी में जो गवर्नमेंट है वो अपने हर एक काम के लिए लेजिस्लेचर को रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए। लेजिस्लेचर में रिस्पॉन्सिबल होने के लिए हमने ये कहा है, जो चीफ मिनिस्टर्स हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, एडवोकेट जनरल है, वो क्या है, स्टेट एग्जीक्यूटिव बॉडी का पार्ट है। तो आज हम इनके बारे में करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर। जैसे सेंटर में होते हैं प्राइम मिनिस्टर, लाइक दिस जहां पर क्या है, चीफ मिनिस्टर। हमारे देश में फेडरल गवर्नमेंट है, फेडरल सिस्टम में क्या होता है, जैसे यूनियन लेवल वैसे ही स्टेट लेवल पर सारा एडमिनिस्ट्रेशन रन होता है। तो एक चीफ मिनिस्टर कौन होता है, जब भी हमारी इलेक्शन होती है लेजिस्लेटिव असेंबली की, हम कहते हैं एमएलए की इलेक्शन है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए। जब भी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली की इलेक्शन होती है और इसमें जो पार्टी सबसे ज्यादा वोटेज सीट्स विन करती है, हम उसी पार्टी के लीडर को चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं। तो चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किसके द्वारा किया जाता है, बाय द गवर्नर। एक स्टेट का गवर्नर क्या करता है, अपने स्टेट की चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करता है, और वो क्या होता है, लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली में मेजोरिटी में होना चाहिए। हमारे देश में मल्टी पार्टी सिस्टम है, अगर मान लो कोई एक पार्टी विन नहीं करती तो क्या होगा, तो गवर्नर अपनी डिस्क्रिशनरी पावर यूज करेगा, जिस वजह से जो लेजिस्लेचर में एक स्टेट में स्टेबल गवर्नमेंट बना सके उस पर्सन को अपॉइंट करेगा एज अ चीफ मिनिस्टर। अगर वो ऐसा करता है तो उसके बाद उसको लेजिस्लेचर में, स्टेट की लेजिस्लेचर में मेजोरिटी, उसको सपोर्ट मिलनी चाहिए। अगर और पार्टी के मेंबर भी उस पर्सन को अपनी सपोर्ट दे देते हैं, तब हम उसको चीफ मिनिस्टर बना सकते हैं। तो इसके लिए कंडीशन क्या है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि जो भी हमारा चीफ मिनिस्टर होगा, ही मस्ट बी द मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर इसलिए कहा गया है क्योंकि हो सकता है स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली भी हो और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी हो। जब हम लेजिस्लेचर आगे करेंगे, एग्जीक्यूटिव के बाद लेजिस्लेचर करेंगे, तब देखेंगे कि हमारे देश में बाइकैमरल एंड यूनिकैमरल का प्रोविजन है, जिस वजह से एक स्टेट में यूनिकैमरल एक लेजिस्लेटिव असेंबली भी हो सकती है, और अगर स्टेट चाहे तो बाइकैमरल लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल भी हो सकती है। तो हम ये कहते हैं कि वो लेजिस्लेचर का मेंबर होना चाहिए। अगर वो ना हो तो, इफ ही इज नॉन मेंबर ऑफ एनी लेजिस्लेचर, देन इट मस्ट बी इलेक्टेड इन लेजिस्लेचर ऑफ दैट स्टेट विद इन द 6 मंथ्स। जे नियर वो किसी और लेजिस्लेटिव लेजिस्लेचर का पार्ट बन जाए, कि पंजाब में है होने से, जे नहीं हो सकते कि हरियाणा लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर हो। जे जरूरी है कि वो उसी लेजिस्लेचर का, जिस स्टेट का चीफ मिनिस्टर है उसी लेजिस्लेचर में एक मेंबर होना चाहिए, तब जाकर हम उसको चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं। देन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या करती है,
चीफ मिनिस्टर को असिस्ट करती है। एक एग्जीक्यूटिव है चीफ मिनिस्टर, जो अकेला काम नहीं कर सकता, इसकी असिस्टेंस के लिए क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या है, एक मिनिस्टर्स हैं, एक मंत्री होते हैं जो अपने स्टेट में एडमिनिस्ट्रेशन को रन करते हैं। हमारे जितने भी डिपार्टमेंट हैं, जैसे एजुकेशन मिनिस्टर हो गया, टूरिस्ट का मिनिस्टर हो गया, एग्रीकल्चर मिनिस्टर हो गया, फाइनेंस मिनिस्टर हो गया एंड सो ऑन, वो से मिनिस्टर होते हैं, वो सभी मिनिस्टर क्या है, चीफ मिनिस्टर को असिस्ट करते हैं। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करते हैं, इनको भी गवर्नर ही अपॉइंट करते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर। जिसको चीफ मिनिस्टर कहेगा उसी को ही गवर्नर अपॉइंट करेगा एज अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और इसमें भी यही कंडीशन है कि वो लेजिस्लेचर का मेंबर होना चाहिए। अगर लेजिस्लेचर का मेंबर नहीं है तो उसको भी इंक्लूड किया जा सकता है इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, बट ही मस्ट गेट इलेक्टेड इन द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट, उस स्टेट के लेजिस्लेचर का पार्ट होना चाहिए विद इन 6 मंथ्स। वो 6 मंथ में लेजिस्लेचर में इलेक्टेड होना चाहिए, तब जाकर वो क्या बन सकता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में इंक्लूड हो सकता है। अदरवाइज उसकी सर्विस को टर्मिनेट किया जाएगा अगर वो 6 मंथ के विद इन लेजिस्लेचर का पार्ट नहीं बन पाता। जे थे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिसको गवर्नर अपॉइंट करते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर। अब हम कहते हैं मिनिस्ट्री का साइज कितना होना चाहिए, तो हमारे देश में अमेंडमेंट के थ्रू ये कहा गया कि जो चीफ मिनिस्टर है वो अपने कैबिनेट का, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का बहुत बड़ा साइज नहीं रख सकता। इसके लिए क्या कहा गया है, इट मस्ट नॉट बी एक्सीड द 15% ऑफ द नंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेचर ने काउंसिल ने कहा ओनली लेजिस्लेटिव असेंबली है, उसमें जितने भी मेंबर है उनका मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 15% तक ही मेंबर्स मिनिस्टर बन सकते हैं। बट एक कंडीशन और बता दी, बट नॉट लेस देन 12 मेंबर्स। लेकिन लेजिस्लेचर में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में 12 कम मेंबर नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर इससे कम मेंबर होंगे तो सभी डिपार्टमेंट को एफिशिएंटली रन करना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए कहा गया है अगर कोई स्टेट बहुत छोटी है, उसकी लेजिस्लेटिव असेंबली का साइज भी छोटा है, तो वहां पर 12 मेंबर्स मिनिमम होने चाहिए। एंड अगर कोई स्टेट बहुत बड़ी है, जैसे यूपी है, उसमें कितनी बड़ी लेजिस्लेटिव असेंबली है, उसमें क्या है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के मेंबर्स हैं वो 15% से ज्यादा नहीं होने चाहिए। देन हम ये कह सकते हैं जो चीफ मिनिस्टर है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, ये आपस में मिलकर एडमिनिस्ट्रेशन रन करते हैं, ये अपने हर एक काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जहां पर भी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट हमारे सामने आता है, जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के मेंबर्स हैं, सभी के सभी अपने काम के लिए कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दैट्स व्हाई वी सेड दिस, वी मस्ट स्टैंड टुगेदर, वो इकट्ठे ही तैरते हैं और डूब जाते हैं। एंड इसके साथ साथ एक मिनिस्टर की इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, जिस वजह से वो अपने काम के लिए खुद भी रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन अगर उन्होंने कैबिनेट में बैठ के साथ में डिसीजन लिए हैं तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, और एक मिनिस्टर ने खुद ही अपनी डिस्क्रिशनरी पावर से कोई डिसीजन ले लिया है तो उसकी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होगी। तो इस तरह जो चीफ मिनिस्टर है एंड उसकी काउंसिल है, वो अपने हर एक काम के लिए लेजिस्लेचर में रिस्पॉन्सिबल होती है, आंसर एबल होती है। एंड इसके बाद हमारे पास आता है एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। क्योंकि जब हम एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं तो गवर्नर है, गवर्नर के बाद हमारे जहाँ
वाइस गवर्नर नहीं होता है, वो तो यूनियन में होते हैं प्रेसिडेंट के बाद वाइस प्रेसिडेंट, लेकिन स्टेट में वाइस गवर्नर की कोई पोजीशन नहीं होती है। इसीलिए गवर्नर के बाद चीफ मिनिस्टर, देन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एंड उसके बाद आते हैं एडवोकेट जनरल फॉर द स्टेट, और उसको अपॉइंट कौन करते हैं, ही इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ दैट स्टेट। एंड उसकी क्वालिफिकेशन कैसी होनी चाहिए, जैसे एक जज की होनी चाहिए ऑफ द हाई कोर्ट। अगर कोई हाई कोर्ट का जज बनना है उसकी जितनी क्वालिफिकेशन है वैसी ही क्वालिफिकेशन उसकी भी होनी चाहिए। देन वो अपना ऑफिस कब तक होल्ड कर सकते हैं, ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ गवर्नर, जब तक गवर्नर चाहे तब तक वो अपना ऑफिस में रह सकता है, तब तक ही वो इस पोस्ट में रहेगा। कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी नहीं कहा गया कि गवर्नर 3 साल, 5 साल, 7 साल, कितने साल का टेन्योर होगा, इसीलिए हम कहते हैं वो प्लेजर ऑफ द गवर्नर तक ही रहता है। और वो क्या काम करते हैं, जैसे सेंटर में एक अटॉर्नी जनरल काम करते हैं, लाइक दिस स्टेट में एडवोकेट जनरल सारे काम करते हैं। उसके फंक्शंस क्या है, टू गिव एडवाइस टू द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट ऑन लीगल मैटर्स, गवर्नमेंट स्टेट की गवर्नमेंट को लीगल मैटर्स में एडवाइस देना। देन वो सभी ड्यूटीज परफॉर्म करते हैं विच आर असाइंड बाय द गवर्नर, गवर्नर जो कुछ भी कहेगा उसकी ड्यूटीज भी उसको परफॉर्म करनी पड़ेंगी। एंड थर्ड वन, टू डिस्चार्ज द फंक्शंस कन्फर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन लीगल मैटर्स और लॉ। कॉन्स्टिट्यूशन में जो कुछ भी कहा गया है वो सारे फंक्शन भी कौन करता है, एक एडवोकेट जनरल करता है। उसके बाद उसकी पावर्स क्या है, उसके पास ये पावर है कि वो लेजिस्लेचर में बोल सकता है, ही हैज राइट कि वो लेजिस्लेचर में जाए, और लो लेजिस्लेटिव असेंबली हो चाहे लेजिस्लेटिव काउंसिल हो, वो दोनों काउंसिल में लेजिस्लेचर में बोल सकता है, अपने व्यू रख सकता है, क्योंकि वो एक लीगल एडवाइजर होता है, उसको सर लीगल मैटर्स के बारे में बहुत नॉलेज होती है, इसीलिए ही हैज राइट टू स्पीक इन स्टेट लेजिस्लेचर, बट ही हैज नो राइट टू वोट, उसको वोट देने का कोई भी राइट नहीं है। और इसके साथ साथ अगर स्टेट गवर्नमेंट है उसका कोई भी केस है हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट के बिहाफ पर एडवोकेट जनरल अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करता है, एक स्टेट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है। वे दिस हमारा एग्जीक्यूटिव का पार्ट कंप्लीट होता है। होप सो कि आपको समझ आ गया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स, एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।